और ठीक ये येरवाड़ा सेंटर के बच्चे, गुड मॉर्निंग, माइक ऑन है। करिए बेटा, येरवाड़ा सेंटर माइक ऑन करिए। येरवाड़ा सेंटर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चे, सुप्रभात, हाउ आर यू? वेरी नाइस, आई लाइक दैट, व्हेन यू सेड थैंक यू दैट इज वेरी नाइस। कोई हमारा जब हाल चाल पूछता है तो उसे थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी गुड। ये चीजें बेटा, पढ़ाई तो अपनी जगह है जो हम सीख रहे हैं सीखने, बट ये जो चीजें हैं ना हमारी जिंदगी में, जो छोटी छोटी आदतें हैं हमारी, इनको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमें आगे जाके, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम आगे दुनिया में और लोगों से मिलते हैं बाहर जाके, तो हम उनसे कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आप जितने अच्छे शब्द और जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे, उतना ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपकी जान पहचान बढ़ेगी इन चीजों से। सो जब भी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, या हिंदी में पूछे आप कैसे हैं, बोलना हम ठीक हैं, शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए या थैंक यू किस लिए? कि आपने हमारा हाल चाल पूछा इसलिए। और इसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, भाई आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो वो भी आपको अपना हाल बता सकता है। वेरी नाइस। और दूसरी चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, जो एक और बहुत जरूरी चीज है, जब हम हिंदी में बात करते हैं, हम किसी से भी बात करें, चाहे वो हमसे छोटा है चाहे वो हमसे बड़ा है, बड़ों से तो आप करके बात करनी ही चाहिए, लेकिन अगर हमसे छोटे भी हैं तो उनसे भी आप करके बात करनी चाहिए। बेटा आप कैसे हैं? तो जैसे मैं आप सबसे बात करती हूँ, तो मैं सब लोग को मैं एकदम बोलती हूँ, तुम कैसे हो, तू कैसा है, तेरा क्या नाम है, ये बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं। जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं आप बेटा आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो आप शब्द जो है, कबीर और मीरा, ये बातें आपके लिए भी हैं, खाली इन बच्चों के लिए नहीं है। तो जब हम आप कबीर, जब मैम बोल रही है तो आपने बिल्कुल चुप करके सुनना है बेटा। तो जब हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम दूसरे इंसान को वो इज्जत दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आप इसलिए, अगर आप अपने मम्मी पापा से भी बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं, तू या तुम इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। हम आप करके, हम दोस्तों में तू तुम करके बात करते हैं कोई बात नहीं, पर जब हम किसी और से बात करते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, तो हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो आज के लिए काफी। तो क्या हम रेडी हैं रीडिंग रीडिंग के लिए? थोड़ा रेडी हैं, उसके बाद आज एक न्यू साउंड, उसके बाद आज एक न्यू साउंड भी करेंगे, और हम कुछ न्यू वर्ड्स भी करेंगे, और हम ये अपना जो मैंने आपसे काम लिखवाया था ये भी करेंगे। अब देखेंगे कितना हो पाएगा, प्लान तो यही है, पर लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। ओके, शेयर, और ये हुआ लेवल कंटेंट, और ये हमारा जो जाना है स्लाइड नंबर 13 पे। चलिए अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीडिंग। तो सारे बच्चे कोशिश करेंगे इसको रीड करने की। ओके, वर्ड्स को साउंड के साथ। अब आपको पता है हमने कैसे रीड करना है, साउंड के साथ। ओके, मुझे लेटर नहीं चाहिए, मुझे साउंड चाहिए, और साउंड से फिर क्या वर्ड बनता है वो चाहिए। पढ़िए जरा क्या है। नो, साउंड साउंड, क्या साउंड है? वेरी गुड। अब क्या बना?
मिलके क्या बना? रै। वेरी गुड। और ये मिल गया क्या? क्या बन गया? रैग। मीरा, रैग क्या होता है बेटा? ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। रैग क्या होता है बेटा? देखा, इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है बेटा। पढ़ी हुई चीज को जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना बेटा, किसी भी चीज को, उसको तब तक तो हमें लगता है कि हमें याद हो गया, लेकिन जब मैम वो काम भेजती है ना, वो इसीलिए भेजती है कि ताकि आप उसको दोबारा पढ़ें और देख सकें दोबारा। और ये जरा मालवाड़ी सेंटर और येरवाड़ा सेंटर की टीचर्स जरा सामने आए, और मीरा अपनी मम्मा को भी सामने करें। दीपिका और ये येरवाड़ा सेंटर और मालवाड़ी सेंटर की टीचर्स, आप मुझे ये बताइए, क्या आप इंडिया ई स्कूल में आपने रजिस्टर किया था? क्योंकि मैं सारा रिसोर्स अपना अपलोड कर रही हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं, हमारे वीडियोस, हमारे जो मैं पीपीटी कराती हूँ, या आपको जो ये मेरे पीपीटीज हैं, वो सब मैंने इंडिया ई स्कूल में अपलोड किया हुआ है। एवरीथिंग इज देयर। सो आपको विजय सर से बात करनी पड़ेगी या अंजलि मैम से, ताकि आपको इन रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सके। ठीक है, ठीक है, वो सारा उसमें है। जो भी पीपीटी मैं कराती हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों को उसमें रजिस्टर करना चाहिए। वो आपको लिंक देंगे कोई, उस लिंक से या कोड देंगे, कुछ देंगे, तो उससे आपको, आप इस क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी पीपीटीज में पढ़ाती हूँ, वो सब उसमें। ठीक है। और अभी मैंने वर्कशीट्स नहीं ऐड की है उसमें, पर मैं वर्कशीट्स भी ऐड कर दूंगी उसमें, ताकि आपके लिए इजी एक्सेस है। और आप बच्चों को, उनसे बात करके, बच्चे बच्चों को, जैसे ये येरवाड़ा और मालवाड़ी सेंटर, आप तो दीपिका आप तो खुद कर सकते हो। Whenever you log in, you can, they can just sit on the computer and do it. और जो ये येरवाड़ा और मालवाड़ी सेंटर है, आप सर से बात करिए कि क्या आप ये कोड बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर इनको कभी रिविजन करना है या कुछ करना है, तो ये उसमें देख सकते हैं। क्योंकि फोन पे हम भेज तो देते हैं इनको जो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो कितनी देर तक फोन पे रहेगा, तो वो अल्टीमेटली तो खत्म हो जाएगा ना। तो कोई भी क्लास की अगर आप देखेंगे, सारा जो भी हमने पढ़ा है, वो सब वहां पे है। एवरीथिंग इज देयर, राइट फ्रॉम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, वो सारा उसमें है, वीडियोस भी और पीपीटीज भी। तो आपके लिए और बच्चों के लिए भी एक एक्सेस रहेगा कि वो इसको देख के पढ़ सके वो। पर आपको सर से बात करनी पड़ेगी, वो मुझे इतने उसका डिटेल्स नहीं पता है इतना, वो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। तो रैग, रैग क्या होता है मीरा? अभी दिखाती हूँ रैग क्या होता है। रैग होता है ये, अभी देखा, देखो ये क्या है, ये क्या है? दुपट्टा। एक नहीं, दुपट्टा नहीं है, ये मेरा डस्टिंग का कपड़ा है। ये पहले तो मेरे तकिए का कवर था, उसके बाद जब ये पुराना हो गया, तो मैंने इसे फाड़ के क्या बना दिया? डस्टिंग का कपड़ा। तो जो ऐसा ये फटा पुराना कपड़ा हो, उसे हम बोलते हैं रैग। क्या बोलते हैं? जैसे घर में भी कोई बनियान या कोई टी शर्ट पुरानी हो जाए, तो फिर मम्मा उसको सफाई के लिए लगाती है ना, कोई अपने सामान डस्टिंग करने के लिए, घर की सफाई के लिए हमसे लगा देती है, है ना? तो उसे हम बोलते हैं रैग। क्या बोलते हैं? रैग। वेरी गुड। अब सबको याद रहेगा रैग क्या होता है? वेरी गुड, सबको याद रहेगा कि रैग क्या होता है। वेरी नाइस। तो ये होता है फटा पुराने कपड़े को हम बोलते हैं रैग। अब ये तो सारे बच्चों को आता है, ये क्या है? और एक और जी मिलेगा तो क्या बन गया?
तो सबको पता है क्या होता है, तो इसको खा रहे हो। अंडा। हाँ अच्छा, ये क्या है? ए और ग, कौन सा साउंड है? ए और ग, एग। तो इसके आगे अगर ये लग गया तो क्या बन गया? क्या बन गया? केग। अब ये आपको नहीं पता होगा केग क्या है, वैसे मीरा बेटू जी आपने ये पढ़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, तो हम इसको करेंगे केग। केग होता है ये एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कुछ हम रख सकते हैं, जैसे लकड़ी का डब्बा या कोई कोई भी डब्बा, बड़े 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 डब्बे होते हैं ये, इनके अंदर हम जो आपको पता है बारूद जो होता है, बारूद जो लड़ाई बड़ाई में इस्तेमाल होता है, बारूद भी रख सकते हैं। इनके अंदर हम अनाज भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो बड़े बड़े स्टोर रूम्स में रखे जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं केग। क्या बोलते हैं? हाँ, ये मालवाड़ी सेंटर की लाइट गई। लाइट हाँ वो ही, तभी गई। फ्रीज हो गया, बिल्कुल लग रहा है। चलिए ठीक है, तो ये होता है केग। वेरी गुड। ए अब क्या मिला, क्या साउंड बनाई है इन दोनों को मिलके? एग। वेरी नाइस, एग। और ये आ गया तो क्या बन गया? पिग। वेरी गुड। पिग सबको पता है क्या होता है? क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? सुअर। वेरी गुड, सुअर। वेरी नाइस। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, क्या है ये, क्या साउंड है? आ, 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 वेरी गुड। पढ़िए जरा, ओ, क्या बना? ऑन। ऑन का मतलब कौन बताएगा? ऑन का मतलब जल्दी जल्दी। करना हाँ स्विच, ऑन ऑन स्विच, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन करिए। वेरी गुड। और क्या होता है बताइए? फेरवाड़ा सेंटर। हाँ ऊपर। वेरी गुड, ऊपर। ऑन द टेबल है ना। टेबल आई नहीं, नहीं कबीर, आई नहीं। कोई चीज अगर टेबल पे रखी हो, क्या है, क्या रखा है टेबल पे, क्या रखा है बताओ? टेबल पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स इज ऑन द टेबल, क्या है? और मैम, सुनीता मैम किस चीज का इस्तेमाल कर रही है? सुनीता, अब सुनो सुनो, सुनीता मैम किस चीज का इस्तेमाल कर रही है क्लास लेने के लिए? किससे क्लास ले रही हूं मैं? नहीं फोन नहीं है, क्या है? लैपटॉप। वेरी गुड। तो लैपटॉप इज कहाँ पे रखा मैंने? ऑन द टेबल। टेबल। वेरी गुड। लैपटॉप इज ऑन द टेबल। ये क्या है? ये बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड है, तो मैं क्या कहूंगी? व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल। किस पे है? दीवार पे। तो क्या बोलूंगी? ऑन द वॉल। वॉल मतलब दीवार। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तो हमने लाइट के साथ ऑन ऑफ किया है, पर ऑन का ये मतलब भी है, ऑन द टेबल, ऑन किसी चीज के ऊपर। अब पढ़िए जरा, ऑफ मतलब बंद कर दो, बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। ओके अच्छा, खाली लाइट के साथ स्विच ऑफ नहीं होता है, कभी कभी हमारा मूड भी खराब होता है, होता है ना मूड खराब, तो उसमें भी हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग अ लिटिल ऑफ टुडे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि आई एम फीलिंग, फीलिंग मतलब कैसा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग अ लिटिल ऑफ टुडे। ओके अच्छा, पढ़िए जरा साउंड। गो कभी गो, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड ऑड का मतलब क्या होता है? मीरा ऑड का मतलब ऑड इवन में को ऑड, वो भी एक ऑड होता है। वेरी गुड, वो भी एक ऑड होता है। और ऑड क्या मतलब क्या होता है? डल्फिन। ऑड का मतलब क्या होता है? जो अजीब सा हो। कैसा हो? अजीब सा, या अलग, या अलग, या कोई चीज अलग हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑड। क्या बोलते हैं? जैसे अगर अगर मैंने कोई कपड़े पहने हो जो अजीब से डिजाइन के हो, अरे हम बोलते हैं अरे ये कुछ अजीब से कपड़े पहने, बोलते हैं ना अरे कुछ अजीब से कपड़े पहने हैं आज, तो हम क्या बोलेंगे? ओ शी इज वेरी समथिंग वेरी ऑड टुडे, मतलब कुछ अजीब सा है, समथिंग वेरी ऑड। और कभी कोई चीज जो एक महफिल में, अगर हम एक बड़े ग्रुप में बैठे हैं, कोई कोई भी इंसान कोई अलग सी चीज करे, तो हम कहते हैं ओ ही अलग सा बिहेव करे, या उसका जो तो रवैया है वो बिल्कुल अलग सा हो, तो हम किसी दिन जैसे हम क्लास में बैठे हैं और एक बच्चा कुछ चिल्लाना शुरू कर दे, कुछ कर दे, तो हम कहेंगे अरे आज तो ये अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप, तो मतलब ही इज बिहेविंग वेरी ऑड, तो अजीब सा व्यवहार, तो उसमें भी लग सकता है, खाली मैथ में ऑड और इवन नहीं होता है, तो अजीब सा व्यवहार भी जब हमारा एक अलग सा हो उसे भी हम कह सकते हैं ऑड, बिहेविंग ऑड। ओके, ऑड बिहेवियर मतलब अजीब सा व्यवहार करना। ओके, ऑड मतलब अजीब या अलग, विचित्र। ओके ओके, पढ़िए जरा। क्या मतलब? गॉट। गॉट का मतलब क्या हुआ? गॉट का मतलब मिलना, मिलना या लाना। लाना, हाँ लाना, जब हम कोई चीज लाते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ आई गॉट अ न्यू इरेजर टुडे, आई गॉट मतलब मिला, आई गॉट एक, इसके दो मतलब है, मुझे मिला कि जैसे मैंने आपको कुछ दिया, तो आप कह सकते हो आई गॉट अ न्यू इरेजर फ्रॉम मैम टुडे, या आई गॉट, या मुझे मिला, या मुझे मिला एक नया पेंसिल अपनी मम्मा से, मम्मा ने मुझे एक नया पेंसिल दिया, आई गॉट मतलब मुझे मिला। दूसरा मतलब गॉट का जो है वो है जब हम बाजार से कुछ लाते हैं, आई गॉट अ न्यू शर्ट फॉर माई सेल्फ, मतलब मैंने बाजार से अपने लिए नई कमीज लाई, तो गॉट का मतलब जब हम कुछ नया खरीदते हैं या जब हमें कुछ नया मिलता है, हमें जब कुछ मिलता है उसे भी गॉट कहते हैं, या हम कुछ नया लाते हैं तो गॉट कहते हैं। आज के लिए ये इतना काफी है, आज इससे ज्यादा नहीं हमने किया ये गॉड तक। चलो अच्छा, ओहो हमने एक चीज और करनी थी, चलो अब हम मैं पहले इसको स्टॉप शेयरिंग कर दूं। अब आप लोग अपनी नोटबुक्स खोलिए, अब हमने जो वर्कशीट हमने जो प्रिपेयर किया था ना वो स्क्वायर, उसको खोलिए और मैं आपको बताऊंगी इसमें हमने क्या करना। ओके कबीर, आपके लिए बेटा छोटा वाला है जो आपका है, और मैम इसमें क्लास वन के बच्चे हैं ना? नहीं।
Okay, so are we ready? No, ma'am. बेड़ा झाला इसका मी खोलून दिला होता तुला पान. अभी मैं आपको बताऊंगी आपने इसमें करना क्या है और ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे. इसमें हमें वर्ड्स बनाने नहीं है. कौन सा बच्चा मुझे पढ़ के सुना सकता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? The world. Very good. The salt. Very good. इसे हम कहते हैं word search. Word का मतलब क्या होता है? मोबाइल में गेम है. वेरी गुड. फिर तो आपको पता है मीरा इसमें क्या करना है. हाँ, क्या करना है? अभी 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 रुक जाओ, पहले सारे फ्रेंड्स को समझाना है ना. तो आप मीरा, ओके, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मीरा क्या समझा रही है. ओके, ये हमें बताएगी कि वर्ड सर्च क्या होता है. मीरा बताइए, कोशिश करिए बेटा. शाबाश. वर्ड सर्च में ये ढूंढना स्पेलिंग्स. हाँ, क्या क्या स्पेलिंग्स नहीं ढूंढने, क्या ढूंढने हमें? वर्ड ढूंढे. ये जो वर्ड हैं, इनको हमने सर्च करना है. क्या करना है? सर्च मतलब ढूंढना. सर्च का मतलब वर्ड सर्च. वर्ड मतलब शब्द, सर्च मतलब ढूंढना. जैसे मैं आपको एक शब्द इसमें ढूंढ के बताती हूँ. देखिए, शब्द आपका ऊपर से नीचे भी हो सकता है. और अभी तो मैंने इसमें सिर्फ आपको ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की तरफ ऐसे वर्ड्स ढूंढने. जैसे मैं आपको एक ढूंढ के दिखाती हूँ. क्या बना? पैक. और मैं आपको एक और दिखा सकती हूँ, वो है क्या बना? हिम. ऐसे ही आपने इसमें वर्ड ढूंढ रहे हैं और उनपे ऐसे सर्कल लगाने. लेकिन मीरा पूरी बात सुनेंगे. बेटा पूरी बात सुनो. जब आपको एक वर्ड मिल गया, आप एक साइड में कोने पे या दूसरे पेज पे लिखेंगे नंबर वन तो पैर है. पैर आपने ये ढूंढ लिया, इसको लिख लिया. फिर नंबर टू आपको मिला हिम, तो इसे भी लिख लिया. तो जैसे जैसे आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे, आप उनको लिखते जाएंगे साइड. और इन बच्चों के लिए, जो ये बड़े बच्चे हैं, आपको 15 वर्ड्स ढूंढने हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया, 15 वर्ड्स ढूंढने हैं. और आपका समय शुरू होता है अब. करिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे. अच्छा, अब बारी आई छोटे बच्चों की. मेरे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे जो हैं, जैसे कि क्लास वन के बच्चे जो हैं, और सारे ये हेडिंग डालेंगे ऊपर. इसमें ये हेडिंग भी डालेंगे, आज का डेट भी डालेंगे. आज का डेट कौन बताएगा मुझे? 17.10.23. वेरी गुड. 17.10.23.
और ये हेडिंग भी ऊपर डालेंगे वर्ड सर्च की। चलिए अब जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास वन के बच्चे हैं, मालवाड़ी सेंटर, आपके बच्चे छोटे वाले जो हैं, है ना, उनका तो ये अलग मैंने भेजा था। पहले सुनो, ये है उनका वर्ड सर्च। सेम चीज करेंगे मैम, सेम चीज करेंगे। इन्होंने भी वर्ड ढूंढने हैं, इनके पास भी सेम चीज है। ये लोग भी, इनका ये छोटा ग्रिड है, इसमें इतने ज्यादा वर्ड नहीं है, पर ये वर्ड ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की। इनके पास सिक्स वर्ड्स हैं, खाली सिक्स वर्ड्स हैं इनके लिए, तो इनको बोल के बैठ के ऐसे ही ढूंढेंगे वर्ड्स, ठीक है। अब मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपका सारा काम आपके नोटबुक में है। मालवाड़ी सेंटर, येरवाड़ा सेंटर, आपको समझ आ गया? यस मैम। बच्चों को समझ आया मैम? वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड वन मैम। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, सो दे कैन डू वर्ड सर्च। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बेटा देखो मैम, इनको जरा थोड़ा दूर दूर कर दीजिए इस एक्टिविटी के लिए, फैला दीजिए। चलो दूर दूर हो जाओ सारे बच्चे, इसमें तो कुछ देखना नहीं है ना, इसमें तो हमें लैपटॉप पे तो कुछ देखना नहीं है अभी। तो आप बड़े बच्चों के लिए 15 वर्ड्स, छोटे बच्चों के लिए 6 वर्ड्स, बस उभे आडवे तिरके काय शब्द पद्धति सिंपल, बहुत सिंपल, थ्री लेटर वाले वर्ड्स हैं, फोर लेटर वाला कोई वर्ड नहीं है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है कुछ बताने की जरूरत है। शब्द जोडायचे जसे इथे बघा पीएटी पॅक असा राऊंड करायचा, पीएसी पॅक आता C-A-T-K,
दिवस राजवीर क्या मेरा समझे आपन ये सारे वर्ड्स बेटा हमने पढ़े हुए हैं ऑल वर्ड वी हैव रेड तो इतना तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि भाई हम क्या वर्ड पढ़ दीपिका हाँ मैम कैसा लग रहा है कबीर को इज ही एबल टू मैनेज क्या कबीर को इज ही एबल टू डू इट ही कैन रिकॉग्नाइज आफ्टर आई टेल हिम द लाइन Okay. Like इस line में ढूंढ लो तो फिर वो recognize हाँ ठीक है that's okay even that is good enough don't doesn't matter थोड़ा सा prompt हाँ इतना he's very young to do this you know but it is just that we give them a little push it's okay it doesn't matter so as long as he is applying himself तो ठीक है as long as he is applying himself अगर आप वो भी ठीक है बताओ लिए इस line में तो ठीक है हाँ वो कर रहा है उस line में ढूंढ रहा है हाँ बस ठीक है ग्रेट नाइस ये थोड़ा इसके लिए इट्स अ हाई एंड वर्क फॉर हिम सो व्हिच इज ओके इट डजंट मैटर हाँ वो मोबाइल के गेम में एक्चुअली वर्ड सर्च में लिखे होते हैं जो वर्ड्स हैं तो ही जस्ट फाइंड्स लाइक विदाउट अ मीनिंग ही लुक्स एट द लेटर्स एंड फाइंड्स हां आई नो आई हैव जैसे इधर उसको ढूंढने में क्योंकि वर्ड दिया नहीं है तो हाउ विल ही फाइंड देम ऐसा नहीं मैंने वो भी लिखे हुए हैं वर्ड्स बट आई वांट देम टू ट्राई दिस फर्स्ट उसके बाद वर्ड्स थोड़ी देर के बाद आई विल शो देम द वर्ड्स तो जिसके जो मिसिंग हो गए दे विल लुक फॉर बस 5 मिनट और एंड दैट्स इट उसके बाद वी विल स्टॉप दिस ये मालवाड़ी सेंटर मैम छोटे बच्चे कहाँ पे हैं छोटे बच्चे दुकान है क्या आपको हाँ मैम ये कर पा रहे हैं क्या जी नहीं मैम हाँ तो फिर आप कैसे हेल्प कर रहे हैं इनकी सब वर्ड को लाइन लाइन बना के रखा है देखो दिख रहा है क्या आपको हाँ तो इन्होंने वर्ड्स ढूंढे हैं कि नहीं जी नहीं दो दो तीन तीन शब्द मिला के सबको राउंड कर दिया है तो आप इनको बताइए ना फिर मैम तभी तो आप वहाँ पे बच्चे बहुत छोटे हैं टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन कैसे करना है ये हाँ वही बता रही हूँ हाँ आप इनको समझाइए कि कैसे करना है अच्छा जो ये छोटे बच्चे हैं क्लास वन वाले इनको साथ में शेयर करती हूँ थोड़ा स्क्रीन तो इनको थोड़ा हेल्प कर देते हैं मैम कोई बात नहीं तो लेकिन लेकिन एक ही चीज है मैम कि आपने इनके साथ बैठना है और इनको समझाना है ठीक है हाँ मैम आप इनके साथ बैठिए जरा नीचे बैठ जाइए इनके साथ और कैमरा उसी तरफ करिए तो मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ ताकि इनको ठीक से समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं तो जितने भी ये छोटे बच्चे हैं ध्यान से देखेंगे बेटा हमने करना क्या है ओके हमने इसमें क्या करना है हमने इसमें बेटा वर्ड्स ढूंढने वर्ड्स यानी के शब्द जो हमने पढ़े थे जो शब्द हमने पढ़े थे वही ढूंढने हैं हमने अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है अब सबसे पहले हम
इस लाइन में वर्ड ढूंढेंगे, ये इस लाइन में यहाँ तक, इसमें ढूंढिए जरा कोई वर्ड है क्या, केवल इस वाली लाइन में कोई वर्ड है बताइए, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ये यरवाड़ा सेंटर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मालवा, ये इनका छोटा वाला ग्रेड है, आपका ग्रेड बड़ा है, ये छोटे बच्चों के लिए, क्लास वन के बच्चों के लिए, बस आप अपना काम करिए, जो बड़े बच्चे हैं वो अपना काम करेंगे, उनको नहीं है, उनके लिए कोई सवाल नहीं है, वो अपना ग्रिड देख के अपना काम करेंगे। तो छोटे बच्चे जो ये क्लास वन के बच्चे हैं, बताइए इसमें कौन सा हमारा वर्ड है, देखिए जरा ये इससे देखिए, क्या इसके साथ हम कोई वर्ड बना सकते हैं यहाँ तक, बताओ क्या बनेगा? क्लास वन मैम, इसका मतलब इनको आता ही नहीं, क्या वर्ड बनाइए क्लास वन? मोठ्याने करा रे, हा करू दे तेवढे शोध, क्या बना बेटा क्लास वन, क्या वर्ड बनाइए, ऐसे गोला लगाएंगे इसमें, कौन सा शब्द है, हाँ काय झालं मग, हे काय झालं, क्या वर्ड बनाइए क्लास वन, झालं तयार, क्या बना, ऍक्ट, शांत बसा बाकीच्याने, क्या हो गया ये क्या है, जे ऊपर क्या हो गया, फिर क्या होता है ये, क्या हो गया बोलो, ये क्या हो गया, वेनु किया, गुड, वेरी गुड, सांगितलं तुला कोणी, कोणी सरप मार सांगायचं नाहीये ह्यांना कोणी, बस हा क्या हो गया, टेप म्हणतात का काय, ऊपर से नीचे बेटा, ऊपर से नीचे, यहां से शुरू करेंगे, प आ क्या बना, प एक्टर, और ये क्या हो गया, नीचे बसा खाली, मी मागितले का कोणाला दाखवायला, खाली बसा, क्या बना, प एक्टर, क्या बना, प एक्टर, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, पेट नहीं पैट, क्या बना, पैट, पैट का मतलब क्या होता है, That means, क्या होता है, पैट का मतलब शाबाशी देना, मैम जरा पैट करिए इसको, शाबाश, ऐसे जब मैम शाबाशी देती हैं तो बोलते हैं पैट करना, क्या करना, पैट करना, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा एक वर्ड हमें मिल गया, अब हम एक और वर्ड ढूंढेंगे, ढूंढिए जरा इस लाइन में, ढूंढिए इस लाइन में क्या मिलेगा हमें, कौन ढूंढ के बताएगा मुझे, ये क्लास वन के बच्चे मालवाड़ी सेंटर, कौन ढूंढ के बताएगा इस लाइन में, लाइन मध्ये कोणता शब्द तयार होतोय सांगा, लाइन में देखो, मध्ये बघ, वाच लाइन में देखो कौन सा वर्ड बन रहा है, वेरी गुड। तो मैं, मेरे को बताओ मैं किस पे गोला लगाऊ, यहाँ से लगाऊ, हाँ स्पेलिंग क्या है, पी ए टी, ए कहाँ है,
क्या है? हाँ जोर से बोलो, क्या है ये? क्या हो गया? पेट। पेट, वेरी गुड वेरी गुड। पेट का मतलब क्या हुआ? पेट का मतलब, पैट मीन्स चब्बासी, पेट का मतलब नहीं, पेट का ए बात की चलने, शांत बसा, शांत बसा। पेट का मतलब क्या हुआ? पेट का मतलब हमारा पालतू जानवर, जैसे कोई कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, कोई मछली पालता है, कोई चिड़िया पालता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? पेट। क्या होते हैं? पेट। वेरी गुड वेरी। अब जरा इस लाइन में भी ढूंढिए एक शब्द, देखिए लाइन मध्ये बघायचंय। हे काय, हे काय, किसने किया ये? तुमने किया, खुद से किया? क्या है ये? हाँ तो क्या हो गया? वेरी गुड वेरी गुड। क्या बना ये? CAN। CAN क्या हो गया? क्या हो गया CAN? क्या हो गया परी? इधर ऐसा ऐसा घूमो, सांग तू पण काय झालं? अच्छा पर अच्छा वर्ड क्या बना ये? सी का साउंड क्या होता है मैम? सी अगर इनको साउंड से नहीं बोलेंगे ना तो वर्ड भी नहीं आएगा। साउंड बोलिए बेटा, सी का साउंड क्या है? सी का क्या साउंड? हाँ ख, उसके बाद क्या है? ए, तो क्या बना? ख, और एंड में क्या साउंड है? तो क्या बना? ख ए न, क्या बना? ख ए न, क्या बना? ये कैन। वेरी गुड। कैन का मतलब जो हम जो डब्बी में, टीन के डब्बे में आता है ना कुछ, उससे बोलते हैं कैन। कैन कैन पता है ना, कैन में लेके आते हैं ना वो कैन। चलिए अब जरा इसमें देखिए। अब देखिए हमारे थ्री वर्ड हो गए, कैन, पैट, पैट हो गया, तुला येतो दुसरा शब्द, दुसरा कोणता शब्द झाला? पेट हो गया, नंबर थ्री हो गया, कॅन हो गया, नंबर फोर इसमें ढूंढिए, इसमें ढूंढिए, इसमें आता या लाइन मध्ये, नंबर थ्री लाइन में, ये नंबर थ्री लाइन में देखिए क्या होता है, ढूंढो। हाँ तो क्या होता है, कुछ पता है क्या ये क्या है? क्या होता है फिर? क्या होता है? वेनु इधर आ, दिख रहे वेनु? पूरे सगळे ना। या लाइन मध्ये कोणता शब्द तयार होतोय सांग? वाच आहे काय? काय आहे? इकडे पुढे पुढे इकडे, हा काय शब्द आहे? हा जोरात सांग। ह्याच्यामध्ये कोणता शब्द तयार होतोय? कोणता होतोय का? बघ ह्याच्यामध्ये कोणतं स्पेलिंग आहे, हे काय आहे, काय होतोय, सीचा साउंड काय आहे? हा मग सी पुढे नंतर हे काय झालं? हा काय झालं मग? काय शब्द तयार झाला? क्या क्लास वन के बच्चे, मालवाड़ी सेंटर, क्या वर्ड बनेगा बेटा इस लाइन में?
काय कोणता झाला तयार हे वाच. हा काय तयार झालं हे बाकीच्यांनी शांत बसा. तुमचा आवाज जास्त येते. सांग काय शब्द तयार झाला हा. शांत बसा. काय शब्द तयार झाला बोल ना काय हे. जोरात बोल. येते तुला. बोल बोल काय झालं. बोल ना काय नाही होत बाळा सांग. रोना नाही आहे बेटा. हम तो खेलने के लिए सीखने के लिए पढ़ रहे. रोना नाही आहे बच्चे. अच्छा मेरी तरफ देखो. मेरी तरफ देखो. देखो ये क्या है. क्या साउंड है हमारा. ये क्या साउंड है. बोले बोलो. रोना नहीं है मेरे बच्चे. डरना भी नहीं है. हम सीखने के लिए बैठे. डरना किस लिए. नहीं आया तो हम पहली बार तो कर रहे हैं. पहली बार कर रहे हैं. आ जाएगा. आज तो सीखने के लिए कर रहे हैं. जब दोबारा करेंगे तब तक हमें और अच्छे से आ जाएगा. तो रोना नहीं है बेटा जी. रोना किस लिए है मेरे बच्चे. तभी तो हम इतना सीख सीख के कर रहे हैं. तभी तो मैम आपके पास बैठी है कि आपको अच्छे से सिखा सके. आप अच्छे से सीखो. रोना नहीं है बेटा मेरा बच्चा. रोना बिल्कुल नहीं है. चलो पानी पी के आओ फटाफट. पानी पी के आओ. तो रोना नहीं. हाँ तो क्या है हमारा बेटा. और किसी ने किया है तो उनसे पूछिए मैम. अगर किसी को मिला है इसमें वर्ड एसी में क्लास वन में. काय झालं. तिला काय म्हणतो आपण. तिचा साऊंड काय. सी का साऊंड काय. हा सी नंतर काय. काय झालं तयार. तयार हा काय. नाही काय तयार होत. दीपांजली बता. सी नाही मॅम. आप भी सी मत बोलिए. साऊंड साऊंड बोलिए. साऊंड. सी का साऊंड क्या है. साऊंड बोलो बेटा. एक्शन नहीं. साऊंड मुंह से बोलो. जोर सी का साउंड. जोर से बता. सी का साउंड. हाँ और हाँ वेरी गुड वेरी गुड. और उसके बाद क्या है. के बाद. उसके बाद क्या है. हाँ तो ए का साउंड क्या है. ए ए नहीं. ए ए तो ख और ए मिलके क्या बना. सी क्या हो गया. मैम सी नहीं बोलना है. साउंड बोलिए. और ए क्या. क्या. हाँ क्या. और उसके बाद क्या है हमारा साउंड. जी का क्या साउंड है. छ छ तो एट. क्या बना. एट एट. एट क्या बना बेटा. ख एट. क्या हो गया. हाँ वेरी गुड. कैट. कैट क्या होता है. कैट मीन्स कैट. हाँ बराबर. बिल्ली. वेरी गुड. चलिए अब एक काम करते हैं छोटे बच्चों के लिए. इसको मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ मैम. चलिए देखिए ये वर्ड्स हैं. छोटे बच्चे जो हैं उनको ये वर्ड्स ढूंढने हैं. सिक्स वर्ड्स हैं. इसमें से हमने कैट कर लिया. पैट कर लिया. और हमने पेट कर लिया. ठीक है. अब जरा हम ये वर्ड ढूंढेंगे. रैट. जरा ढूंढिए इस लाइन में. ढूंढिए येरवाड़ा सेंटर. आप लोगों ने कितने वर्ड्स कर लिए बेटा. कितने वर्ड्स ढूंढे आपने. क्या है वो. पूरा स्पेलिंग बताओ. क्या है वो. आर ए टी.
यहाँ पे कहाँ है वो, ये लाइन में देखो है क्या, ये वेनु अभी 15 words. Very good, very good, very nice. What? काय तो काय हाँ 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 गुड है. अच्छा मधे साफ पड़ते क्या लाइन मधे बग दाखवा या लाइन मध्ये आहे का. हाँ शोध ह्या लाइन मध्ये या लाइन आहे का, हे काय सापडला क्या. एट ने इसका साउंड क्या है, आर का साउंड क्या है. हाँ तो फिर र ए का ए क्या हो गया. हाँ तो साउंड क्या हो गया, र ए हाँ ये क्या है, क्या हो गया. हाँ बताओ ये क्या हो गया फिर. टेट नहीं, इसका क्या हो गया र, क्या हो गया र र ए क्या हो गया फिर, क्या हो गया बेनु, ये क्या है, क्या ये है, काय झालं शब्द काय झाला. ए शांत बस रे, जरा बसा ना खाली, खाली बसा समजा रहा. हाँ काय झालं, हाँ काय झालं, आर चा काय साउंड आहे, काय जो साउंड आहे आर चा र काय, र याचा ए याचा ठ, काय झालं मग, काय झालं काय झालं, फॅट नाही, र म्हणलं नाही सर, मग काय झालं रॅट, रॅट काय होत, रॅट मीन्स हा फिर, फिर इसको कर सर्कल ऐसा, इसको सर्कल मालवाड़ी सेंटर. मैम अब ये दो वर्ड्स हैं सिप और कैन, अब ये आप बच्चों से ढूंढवाइए बिकॉज बाकी बच्चे सारे वेट कर रहे हैं, तो आप ये दो वर्ड इनको ढूंढ के तो बता देना ठीक है. एक ये सिप रह गया है और कैन रह गया है. किचन में शांत बसा रहे, शांत बसा, ये क्या है मैम, ये दो वर्ड्स रह गए हैं बच्चों के अब, सिप और कैन, तो हाँ. ये आपने इसमें उनको ढूंढ के बता देना आप, क्योंकि अब क्लास बाकी बच्चे सब वेट कर रहे हैं ना, तो जी आप इनको ये दो वर्ड सिप और कैन रह गया है खाली. कैन तो शायद कर लिया था इन्होंने, आई थिंक खाली सिप रह गया है, तो आप उनको वो करा देना. और आई थिंक आज इसके अलावा यरवाड़ा सेंटर माइक ऑन कर लीजिए प्लीज. मीरा एंड कबीर अपने काम का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना ठीक है. तैयार हो गया, वेरी गुड वेरी गुड. सो येरवाड़ा सेंटर एंड मालवाड़ी सेंटर विल क्लोज द क्लास टुडे. यस मैम, के लिए इतना ही क्योंकि अब टाइम हो गया है, और हम न्यू साउंड अगले सेशन में करेंगे. But I want to meet all the teachers now. I have sent a message to Ashwani ma'am also. It is time to meet. I think हमारे बच्चे थोड़े पीछे रह रहे हैं और हम आगे भाग रहे हैं, तो हमें थोड़ा have to meet once. तो I think with this we end our class and